नगर पालिका कर्मचारी संघ आज दूसरे दिन भी नगर परिषद अंबाला सदर में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। जब समझौता 29 अक्टूबर को सरकार और संगठन के बीच हुआ तो सरकार ने सभी मांगों पर सहमति जताई थी। अब सरकार पत्र जारी करने में आनाकानी क्यों कर रही है? आज का हमारा ये है, ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर सभी नगर निगमों, परिषदों एवं पालिकाओं में भूख हड़ताल का ये चलाया जा रहा है, जिसका कारण ये है कि जो 29 अक्टूबर को माननीय निकाय मंत्री जी और बड़े आला अधिकारी जी, उमा शंकर जी मुख्य सचिव हरियाणा सरकार और DULB के जो एडिशनल डायरेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के डेपुटेशन की वार्तालाप हुई, मांगों पर समझौता हुआ, मगर उनमें से कुछ मांगों के पत्र परिपत्र अभी तक जारी नहीं किए गए और जो जारी किए हैं उन पर कोई प्रक्रिया नहीं चली है। तो इन्हीं मांग मुद्दों को लेकर हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। इससे पहले हमने मुख्यमंत्री जी के नाम DC ऑफिस में भी ज्ञापन दिया है और अपने कमिश्नर DMC के माध्यम से भी हमने ऊपर ज्ञापन पहुँचाया। ये जो हमारी भूख हड़ताल है ये 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा प्रदेश में भूख हड़ताल का जो प्रदर्शन है वो चलाया जा रहा है। देखिए, हड़ताल करना हमारा शौक नहीं है, इसका भी एक कारण है। देखिए, 29 अक्टूबर 2022 को हरियाणा सरकार द्वारा हमारे कर्मचारी नेताओं की बातचीत हुई, जिनमें कई मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन हरियाणा सरकार के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है के आज तक हमारे संपूर्ण पत्र जारी नहीं हुए, मतलब के जिसमें के पूरे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष है। इसलिए हम सरकार को टुकड़ों में आंदोलन करके ये चेता रहे हैं कि कर्मचारी नेताओं से बातचीत की जाए और जितनी भी मांगों के पत्र रह गए हैं और जो मतलब पत्र जारी हुए हैं उनमें अधिकारियों द्वारा किंतु परंतु लगाया जा रहा है, उसको भी ठीक किया जाए और आगे जैसे ही सरकार ने जो LTC का जो फॉर्म है आज हमारे हरियाणा प्रदेश के साथियों को मिल चुकी है, बाकी यहाँ पर भी हम जल्दी प्रयास करेंगे अधिकारियों मतलब पत्रों में किंतु परंतु कर हमने अपनी मांगों को ज्ञापन के लिए अपने प्रशासन द्वारा DMC साहब को दिया और हमने DC महोदय को दिया। जल्द ही नगर पालिका कर्मचारी हरियाणा प्रदेश कन्वेंशन बुला करके उसमें जो भी आगे का फैसला लिया जाएगा अंबाला जिला उसमें बढ़ चढ़ करके। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। आप हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर और एप्पल मोबाइल के ऐप स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करना ना भूलें।